सागर जिले के राहतगढ़ में आज किसानों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा और किसानों ने बीते 2 दिनों से तुलाई न होने के कारण रोड जाम कर दिया। मंडी परिसर में अपनी फसल तुलवाने आए किसानों ने सुबह सुबह अपने ट्रैक्टर विदिशा तिराहे पर लगाकर रोड जाम जैसे हालात बना दिए, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर SDM राहतगढ़ की समझाइश के बाद किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टर वापस मंडी प्रांगण में लगा दिए। दरअसल किसानों ने यह जाम एरन मिर्जापुर सोसाइटी खरीदी केंद्र पर बीते 2 दिनों से तुलाई न होने के कारण लगाया था। साथ ही इस मसले पर SDM राहतगढ़ का कहना है कि बीते 2 दिनों से बारदाना न होने के कारण माल की तुलाई नहीं हो पा रही थी, जिससे गुस्साए किसानों ने जाम लगा दिया था। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 5 बंडल बारदाना राहतगढ़ सोसाइटी से ले लिए गए हैं, ताकि माल की तुलाई सुचारू रूप से हो सके। साथ ही बारदाने के लिए ऊपर बात कर ली गई है और जल्द ही बारदाना आ जाएगा। अचानक किसान 1-2 दिन से परेशान थे, तो वो एक बार चले गए और उन्होंने वहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए रोड जाम कर दिया था। तो मैं तुरंत वहाँ पे पहुँच गया था और तुरंत मैंने समिति प्रबंधक से बात करके उनसे वापस तुलाई की शुरू करवा दी है। अभी 2 कांटे चल रहे हैं, अभी एक गेहूँ का और एक चने का और एक सरसों का चल रहा है उसमें। और अभी हमने बारदाने के लिए बोल भी दिया है कि गाड़ी निकल चुकी है, तो वो अभी 2-3 घंटे में आ जाएगी। अभी सर प्राइमरी रोड व्यवस्था कैसे बनाई? अभी जो दूसरी समिति है वहाँ पर, वहाँ से हमने 5 बारदाने के जो पैकेट हैं वो ले लिए हैं समिति के लिए, ताकि यहाँ का काम प्रभावित ना हो। दोनों समितियों का काम चलता रहे। सर किसान कुछ बता रहे हैं कि